हे फैम, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? आई होप यू एंड फाइन। एंड गाइस, आज का इस वीडियो में सिखाऊंगा मैं आपको कुछ इस टाइप का एडिटिंग, डबल फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आपको इस एडिटिंग को करने के लिए आपको कौन सा बैकग्राउंड, कौन सा पीएनजी यूज़ करना पड़ेगा, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सेव कर दिया, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एंड गाइस, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं पर हर फोटो एडिटिंग की अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर फोटो एडिट करने के लिए। टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस, मैं आ गया हूँ अपने पिक्सार्ट के अंदर अपने बैकग्राउंड को लेकर। बट गाइस, अब मैं चलता हूँ अपने ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आता हूँ मैं रिसेंट पर। रिसेंट पाने के बाद गाइस, आता हूँ मैं अपने मॉडल पीएनजी में। एंड मॉडल पीएनजी आने के बाद गाइस, इसमें मैं ये वाला मॉडल सेलेक्ट कर लूँगा, कर दूँगा ऐड। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। इसको बड़ा करने के बाद गाइस, इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। एंड इसको अब जाता हूँ मैं इरेज के आइकन पर। एंड इसकी मैं इरेज पर आइकन पर आकर इसको मैं इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। एंड गाइस, इसको मैं डिक्रीज़ कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, इरेज कर दूँगा। एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा, इसकी हार्डनेस हार्डनेस को भी। एंड गाइस, अब देखिए ऐसा कर दूँगा थोड़ा थोड़ा। एंड गाइस, अब मैं कर दूँगा राइट। एंड इसको राइट करने के बाद गाइस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। और एंड इसको बड़ा करने के बाद गाइस, देखिए। एंड गाइस, अब मैं आता हूँ फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो आने के बाद गाइस, आता हूँ रिसेंट पर। रिसेंट आने के बाद गाइस, अब मैं आता हूँ इसमें डाउनलोड में। एंड डाउनलोड आने के बाद गाइस, नीचे आता हूँ थोड़ा सा। एंड नीचे आने के बाद गाइस, मैं ये वाला पीएनजी ले लूँगा। एंड गाइस, इसको पीएनजी को बड़ा कर दूँगा मैं, एंड थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा। एंड इसको बड़ा करने के बाद गाइस, देखिए मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा। एंड गाइस, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा। एंड इसको बड़ा करने के बाद गाइस, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस। अब मैं चलता हूँ फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो आने के बाद गाइस, रिसेंट पर। रिसेंट आने के बाद गाइस, अब आता हूँ मैं पिक्सार्ट के अंदर। एंड पिक्सार्ट के अंदर आने के बाद गाइस, मैं ये वाला पीएनजी सेलेक्ट कर लूँगा अपना मॉडल। एक और मॉडल इसमें डबल मॉडल लगेगा। एंड गाइस, को मैं ऐसा रख दूंगा। एंड गाइस, देखिए मैं कितना क्रिएटिव लग रहा है फोटो। एंड गाइस, मैं फिर से आता हूँ ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद गाइस, रिसेंट पर। रिसेंट आने के बाद गाइस, अब मैं आता हूँ अपने डाउनलोड में। एंड डाउनलोड आने के बाद गाइस, नीचे आता हूँ थोड़ा सा मैं। एंड गाइस, मैं ये वाला पीएनजी ले लूँगा। एंड इसको मैं नीचे के साइड में कर दूंगा फुल स्क्रीन करके। एंड गाइस, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। एंड गाइस, देखिए कितना क्रिएटिव लग रहा है फोटो ये अब ये। एंड गाइस, फिर से चलता हूँ मैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो आने के बाद गाइस, रिसेंट पर। रिसेंट आने के बाद गाइस, फिर से आता हूँ अपने डाउनलोड में। एंड डाउनलोड आने के बाद गाइस, नीचे आता हूँ थोड़ा सा मैं। एंड गाइस, इसमें ये वाला पीएनजी ले लूँगा मैं, एटीट्यूड रॉक। एंड गाइस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा। एंड गाइस, इसको मैं यहाँ पर रख लूँगा। एंड गाइस, अब देखिए कि मेरी एडिटिंग कितनी कैडी लग रही है। एंड गाइस, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँगा। एंड गाइस, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा। एंड गाइस, देखिए अब देखिएगा गाइस कैसा लग रहा है फोटो ये। तो गाइस, अब चलता हूँ मैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो आने के बाद गाइस, रिसेंट पर। रिसेंट आने के बाद गाइस, अब मैं अपना लोगो सेट कर लूँगा जल्दी से। एंड गाइस, फोटो कर दूँगा राइट। एंड गाइस, राइट करने के बाद आता हूँ मैं ड्रॉ टूल में। अब चलूँगा मैं लाइटरूम के अंदर। एंड गाइस, थ्री डॉट पर क्लिक करके अपने लाइटरूम में चलता हूँ, अपने सेव इमेज करके। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने लाइटरूम के अंदर। एंड गाइस, अब मैं चलता हूँ कलर पर। एंड कलर पर जाने के बाद गाइस, आता हूँ मैं मिक्स में। एंड मिक्स में आने के बाद गाइस, पहले देखिए मैं लास्ट वाला ये वाला कलर में ले लेता हूँ। इसकी हुई को मैं थोड़ी सी फुल इंक्रीज कर दूंगा 100। एंड इसकी सेचुरेशन को मैं फुल इंक्रीज़ कर दूंगा गाइस। देखिए मेरे क्लॉथ में चेंज आ जाएगा शर्ट में। एंड इसकी लुमिनेस को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा गाइस, देखिए। एंड गाइस, मैं जूम करके देखूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड गाइस, अब मैं आता हूँ अपने ब्लू कलर पर। एंड इसको मैं डिक्रीज़ कर दूंगा हुई को 70%। एंड इसकी सेचुरेशन को भी इतनी डिक्रीज़ कर दूंगा। एंड इसकी लुमिनेस को भी इंक्रीज़ कर दूंगा गाइस। एंड गाइस, अब मैं आता हूँ अपने येलो कलर पर। एंड इसको मैं डिक्रीज़ करके देखता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड इसकी गाइस, थोड़ी सी सैचुरेशन को थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँगा। इसकी लुमिनस को भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँगा गाइस। एंड गाइस, अब मैं आता हूँ ऑरेंज कलर पर। एंड इसकी लुमिनस को मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। एंड इसकी सैचुरेशन को थोड़ी सी डिक्रीज कर दूँगा। एंड इसकी हुई को इंक्रीज कर दूँगा। एंड गाइस, देखिए अब मैं फोटो को जूम करके देखता हूँ, कोई कमी तो नहीं है, देखिए बेहतरीन लग रहा है गाइस। एंड गाइस, अब मैं थोड़ी सी लुमिनस को थोड़ी सी और इंक्रीज कर लूँगा गाइस। इसकी देखिए मेरा चेहरा गोरा हो चुका है गाइस। एंड गाइस, अब मैं आता हूँ रेड कलर पर। एंड इसकी लुमिनस को मैं थोड़ी सी डिक्रीज़ कर लूँगा। एंड इसकी सेचुरेशन को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँगा। इसकी लुमिनस को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँगा गाइस। देखिए कितना बेहतरीन इफेक्ट आ चुका है गाइस अब ये।
एंड गाइस मैं फोटो कर दूंगा राइट, एंड राइट करने के बाद गाइस आता हूँ मैं इस वाले ऑप्शन पर, एंड इसकी थोड़ी सी मैं बिगिन रेट को थोड़ी सी डिक्रीज कर दूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड गाइस अब देखिए मेरा फोटो कैसे हो चुका है। गाइस देखिए पहले फोटो कैसा था और अब कैसे हो चुका है। तो गाइस लाइट रूम से एडिट करने में बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। तो गाइस आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो का ठोको लाइक, और गाइस मेरे आर के एडिटिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बार जेन्युइन एडिटिंग मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने शेयर के ऑप्शन पर, इस फोटो को हम सेव इमेज कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।